साथियों को हटा दिया, आदि साथियों को हटाया, जिन नगर जो नगर पालिका के क्षेत्र में आ गए उनको हटा दिया। तो हम इतने 20-20 साल काम करके अब कहाँ जाए, एक तो उनको वापस लिया जाए और एक हमको हमारे वो तनखा बढ़ाई जाए। हम 5-5 हज़ार में काम कर रहे हैं अभी, अब तक भी या और कितना काम कितना ले लेते हैं हमारे से, काम कितना करवाते हैं। जब तो रात को ही फ़ोन कर देते हैं, बाल ब्याह हो रहा है तो उसमें जाना है तो जाते हैं। हम गांव वाले से कितना प्रताड़ित होते हैं, अकेले साथी फिर भी हम लड़ते हैं। कोई रात को दारू पीता है, अपनी महिला को मारता है तो उसको उसके भी जाते हैं, उसकी सहायता करने के लिए भी। किसी की पेंशन नहीं होती विधवा की तो हम करवाते हैं उनकी, तो काम तो इतना करवाते थे। पूरी पंचायत में एक साथी है, आंगनबाड़ी वाली तो कितनी है, वो उनको तो एरिया दे रहे काम और तो एरिया भी नहीं देगा, फिर भी हम काम करते हैं, फिर भी हमारे को हटा दिया है। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी तब तक, जब तक करते जाएंगे। मेन मांग तो जो क्या ग्राम पंचायत से साथी ने नगर पालिका एरिया में लेके हटा दी गई है, ये सब निकाली हुई साथी ने। हम हमारी बहनों को सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि हमारी बहनें जो निकाली दी गई है उनको वापस लिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि हमारे को सरकार ने कहा कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिन तक आश्वासन नहीं मिला, न कोई परमानेंट किया, जबकि हमें न्यूनतम मजदूरी जो कि 300 रुपये पर डे होती है वो भी हमें नहीं मिल रही है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। और एक तरफ से हमारा काम है महिला सशक्तिकरण का कि महिलाओं को सशक्त करो, और एक तरफ से सरकार योजना चलाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जब हम महिलाओं को शोषण हो रहा है, ये तो हम महिलाओं को शोषण हो रहा, तो हम आप कैसे बेटी को बचा पाओगे, कैसे बेटी को पढ़ा पाओगे? जो जिंदा बेटी जब तक हमारी ये जायज मांगे हैं नहीं मानी जाएगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर मैं 2004 से महिला बाल विकास अधिकारिता में काम कर रही हूँ, मैं कोटपुतली तहसील से हूँ और अब मेरे को 13 महीने हो गए हटाए हुए, और मैं बीजेपी में भी आ गई और कांग्रेस में भी आ गई, किसी से हमारा अनुशासन नहीं हुआ और न किसी ने हमें खुल के बात की कि तुम्हारा ये काम होगा कि ये काम होगा। हमने महिला उत्पीड़न से लेकर मृत्यु प्रणाम पत्र तक बनवाए, महिलाओं को जागरूक किया, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी उनको हमने घर से बाहर पर्दा प्रथा हटाया, बाल विवाह रुकवाए, दहेज प्रथा हटवाई, यहाँ तक कि कन्या भ्रूण हत्या भी रुकवाई, उड़ान योजना में भी हम सारे सभी का सहयोग करते हैं। अगर कोई रात को कुछ भी करता है तो जैसे सम्मेलन में शादी होती है वहाँ पर भी जाते हैं हम, गिनाए तो क्या क्या गिनाएंगे सर आपको, हैं पेड़ पौधे भी यहाँ जितनी भी सरकारी योजना सभी करवाते हैं। उसके अंदर ग्राम साथिन को पहला मुद्दा है, दुख में भी सुख में भी सभी के साथ रहती है वो, लेकिन एक साल से महिलाओं को हटा दिया है। तो हम घर बचाए कि बच्चों को पढ़ाए कि क्या क्या करें, जब सरकार को हमारी चाह थी तब तो हमें 150 रुपये में ले लिया, और अब आज हमारे पैसे बढ़े हैं तो सरकार ने जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी वैसे हमें फेंक दिया, ये कहाँ का न्याय है? और सर इसके अंदर मैं तो 40-45 साल की, और मेरी साथिन बहनें हैं जो आज वो 65-60 साल के होने, वो कहाँ जाएंगी इस उम्र में, फिर उनको तो वहाँ के लिए शमशान के लिए लकड़ी डला दो, उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा यही। सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ।